Realme 12 Pro Plus 5G फोन जिसको आपको नहीं खरीदना है। आप सोचोगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो बताऊंगा इसके बारे में फुल डिटेल में कि क्या ऐसे कारण है जिस वजह से ये फोन काफी डिसअपॉइंट करता है इसकी प्राइसिंग को लेके। तो राम राम सभी को, क्या हाल चाल है, शुरू करते हैं बातचीत को लेके। तो डिजाइन परस्पेक्टिव से ये फोन बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, मतलब कोई भी फोन देखेगा तो ये बोलेगा भाई बहुत सही लग रहा है, लग्जरी फील देता है। मतलब इसमें जो लेदर फिनिश इन्होंने यूज कर रखा है, वेगन लेदर का यूज कर रखा है, और ये जो नया सर्कल वाला पैटर्न अभी जो हम लोग रियलमी के फोन में इतने टाइम से देखते आ रहे हैं ना, ये सर्कल में जो उन्होंने यूज कर रखा है, रिंग वाला एक पैटर्न दे रखा है, वो घड़ी के डायल नहीं होता है वैसा कुछ आपको फील देने की कोशिश कर रखी है। वैसे ये वाले का नाम सबमरीन ब्लू है, सबमरीन ब्लू कलर का नाम है इसका, और इसमें दो एक कलर और अवेलेबल कर रखे। बट डिजाइन का जो पर्सपेक्टिव वो डेफिनेटली आई कैचिंग है, आपको मेटलिक फ्रेम देखने को मिलती है, और ये फ्रेम ना थोड़ा सा आपको गोल्डनिश नजर आएगी, मतलब सिल्वर नहीं है ये, हल्का सा आपको गोल्डनिश टिंट देखने को मिलता है इसमें, और मेटलिक सॉलिड फील करती है, और कर्व डिस्प्ले के साथ में आती है, तो कहीं ना कहीं प्रीमियमनेस तो फोन की आपको काफी अच्छी लगेगी। बट ऑन द पॉइंट, अगर मैं इसे फिजिकल लुक को लेकर बात करता हूँ, तो यहाँ पे टॉप पे आपको दे रखे हैं नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन, बॉटम में आपको मिल जाएगा आपका टाइप सी पोर्ट, आपका स्पीकर ग्रिल, आपका सिम ट्रे, माइक्रोफोन, और साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर और आपका पावर ऑन ऑफ बटन। बैक तो आपको देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पर बना रखा है, सेंसर पूरे जो कैमरा के एकदम फ्लैट यहाँ पर ग्लास में डाल रखे हैं, और वेगन लेदर का इन्होंने यूज कर रखा है। तो डिजाइन वाइज तो नो डाउट ये फोन काफी इंप्रेसिव है, बट यहाँ पर 6.7 इंच का इन्होंने डिस्प्ले यूज कर रखा है, FHD प्लस डिस्प्ले है ये। अभी इस प्राइस रेंज में क्वाड HD प्लस डिस्प्ले भी आने लग गए हैं, बट यहाँ पर उन्होंने FHD प्लस ही यूज कर रखा है। रिजोल्यूशन टर्म्स में नो डाउट अच्छा है, और यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है, और 950 निट्स की ब्राइटनेस है, तो इनफ ब्राइटनेस भी है, आप आउटडोर सिनेरियो में अगर यूज कर रहे हैं दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। बट जब बहुत हार्श सनलाइट रहती है, तो फिर आपको ऑब्वियसली जो फोन 2000 निट्स के बैटनेस के साथ में आते हैं, 2600 निट्स के बैटनेस के साथ में आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल रहते हैं। तो फोन के डिस्प्ले से आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि HDR वगैरह भी सपोर्ट करता है, और हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले है, तो ऐसा मतलब इशू नहीं है यहाँ पर, और स्मूथ भी चलता है, क्योंकि 120 हर्ट्ज़ पे ये वर्क करता है, तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है इस फोन की। बट नाउ कमिंग टू द डिसअपॉइंटिंग पार्ट, यानी कि इसके कैमरास को लेकर काफी ज्यादा हाई बना रखी है, पेरिस्कोप लेंस डाल दिया इन्होंने, और सबसे कम बजट वाला पेरिस्कोप लेंस आपको देखने को मिलता है, तो 3x जूम करता है, बाकी जूम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6x जूम है, फिर इसके उसमें इन्होंने 120x जूम भी क्लेम कर दिया है, चांद की फोटो भी आप क्लिक कर सकते हो, और इनकी बड़ी वेबसाइट पर भी बहुत मस्त मस्त फोटो डाल रखे इन लोगों ने। बट क्लैरिटी टर्म्स की मैं बात करूँ इस फोन के फोटोज को लेकर, तो मजा बिल्कुल नहीं आया, बहुत एवरेज फोटोज लगे, और ट्रस्ट मी मैंने इसका एक बहुत अच्छा कंपेरिजन वीडियो भी बनाया, तो वो जल्द आपको देखने को मिलेगा चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा इसी प्राइस रेंज में आने वाले दूसरे फोन कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इस फोन के मुकाबले। बट थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको देना चाहूंगा कि क्या फोन में आपको यहाँ पर जो लेंसेज वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं, इसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिल जाता है, पेरिस्कोप लेंस तो प्रोवाइड कर ही रखा है आपको यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का, बट यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का आपको सोनी का IMX890 कैमरा देखने को मिलता है, जो कि इसका मेन सेंसर है, जो कि आपको OIS के साथ में आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईशन के साथ में आता है। अब फोटोज की जब बात करूंगा, तो इस सेंसर की जो मैं बात कर रहा हूँ, 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर है, सिर्फ इसी के फोटोज अच्छे डिटेल में आपको देखने को मिलते हैं, बाकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी डल नजर आती है, और 50 मेगापिक्सल के जो सेंसर भी कलर्स उतने प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पा रहा था, एक कलर्स के टर्म्स में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लगा, क्योंकि अगर आप डेलाइट सिनेमा में फोटोज खींच रहे हो तो काफी अच्छे आ जाते हैं, बट अगर आप इंडो लाइटिंग्स में या कम लाइटिंग में फोटोज क्लिक करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर डल या एवरेज परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर बात करता हूँ, तो पीछे तो आपको 4K 60fps का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट फ्रंट में आपको सिर्फ 1080 30fps का सपोर्ट ही देखने को मिलता है। तो इन द टर्म्स मुझे इसे कैमरा क्वालिटी काफी डिसेंट लगी है, हाइप ज्यादा क्रिएट कर रखी है, जितने मुकाबले में आपका परफॉर्मेंस जो है उतनी टॉप नॉच नहीं है यहाँ पर। तो कैसे भी आप वीडियो देख रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है रियलमी के 12 प्रो प्लस से, और आप क्वालिटी देख सकते हैं किस तरह आ रही है यहाँ पे, ये मैंने जूम किया और ये 3x पे शिफ्ट हो गया है, अब ये जूम आउट करने पर आप देख सकते हैं फर्क आता है, लेंस शिफ्टिंग में भी आपको जो है फर्क नजर आएगा। तो ये मान के चले कि कुछ सेंसर बेहतर है, तो कुछ सेंसर यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक यूज कर रखे हैं। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, और जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें आपको सिर्फ 1080p 30fps तक ही देखने को मिलता है, क्वालिटी कुछ इस तरह की आती है। डायनामिक्स की बात कर लेते हैं, डायनामिक्स कितने ज़्यादा कैच कर रहा है, डायनामिक्स में थोड़ा सा बेहतर है मेरे हिसाब से, बट हाँ स्टिल आपको कलर्स में काफ़ी वेरिएशन नजर आएगा जब आप कैमरा को मूव करते हैं, तो ये थोड़ा सा एक आपको चीज़ नोटिस करने वाली है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा दिया, अच्छी बात है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, कोई बुरी बात नहीं है, 7S करके ये प्रोसेसर लगा रखा है, Gen 2 करके ये प्रोसेसर है, और ये जो प्रोसेसर है ये एक एवरेज प्रोसेसर है इन द टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जो मिड रेंज के फोन आते हैं उन्हीं में आपको देखने को मिलता है, तो फ्लैगशिप वाली परफॉर्मेंस आप इससे एक्सपेक्ट मत करना। सपोज अगर आप इसमें BGMI खेलना चाह रहे हैं कि मैं हाईएस्ट सेटिंग पे खेल पाऊंगा,
तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि लैग करेगा या स्टटर करेगा या फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी कैजुअल गेमिंग कर रहे हैं तो आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल डे टू डे टास्क भी आपके फुलफिल हो जाते हैं। बट ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप लेवल वाला चिपसेट नहीं है, मिड रेंज में भी एक जो तगड़ा चिपसेट हम लोगों को मिलना चाहिए था वो यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड नहीं कर रखा है। जस्ट द पॉजिटिव पॉइंट इज दैट कि इन्होंने स्नैपड्रैगन यूज़ कर रखा है, वो एक अच्छा एस्पेक्ट है, बट इम्प्रूव्ड प्रोसेसर होना चाहिए था मेरे हिसाब से। इतनी प्राइस में आपको मतलब कहीं ना कहीं बेहतर प्रोसेसर मिल जाते हैं मार्केट में। अगर मैं बाकी पर्सपेक्टिव को कवर करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस कैसी क्या है, तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी लगा रखी है, 67 W का चार्जर भी प्रोवाइड कर रखा है, तो फास्ट चार्जिंग वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इन ओवरऑल टर्म्स अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं यहाँ पर कि कितना दिन चलेगा ये, तो मतलब इसको पूरे फुल फ्लैज अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप अराउंड 1 day का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे गेमिंग भी कर ली मैंने, कैमराज वगैरह भी यूज कर लिए, तो आप अराउंड 1 day का तक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। अब यहाँ पे बाकी चीजों को जैसे अगर मैं कंसिडर करता हूँ इस फोन में, तो ऐसा कुछ भी बहुत मैसिव हाईलाइट नहीं है इस फोन की। डेफिनेटली फोन लुक वाइज बहुत प्रीमियम है, आपको अच्छा फील दे देगा ये फोन, बट 30,000 rupees या 30,000+ आपको इस फोन के लिए पे करना पड़ेगा जब आपको ये फोन मिलता है, और मेरे हिसाब से कॉम्पिटिशन में ये वर्थ नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आपको और भी बेहतर ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और उसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ, आपको एक डेफिनेटली बेहतर वीडियो मिलने का जहाँ पर मैं इस फोन के इसी प्राइस रेंज में आने वाले फोन से कंपेरिजन लेकर आ रहा हूँ। तो मेरा ओपिनियन इस फोन को लेकर यह था कि एक मिड रेंज फोन में बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पर लेकर आया रियलमी। हाँ, अगर इसकी प्राइसिंग 25,000 से बिलो होती है, 20-25,000 के बीच में होती, तो मैं कह सकता था कि एक अच्छा फोन आप लोगों के लिए कंसिडर में बन सकता है, बट प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी मुझे ओवर प्राइस लगी है। अगर कम करेंगे तो फ्यूचर में शायद ये फोन ज्यादा बिक सकता है और ज्यादा लोगों को पसंद भी आ सकता है। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन। वैसे आपको ये फोन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, या कोई डाउट है मन में, सवाल आ रहे हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। प्लस आपको कुछ और चीजें हमारे फोन वाली वीडियोज में ऐड करनी तो वो भी कमेंट करके मुझे बताना। बाकी नए आए हो चैनल पर, सब्सक्राइब वाला बटन आपके लिए दबा के जरूर से जाना। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिडन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोर के साथ।